खातिर एक जुनून चाहिए, जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। A very, very good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome to each and everyone out here. So this is your host, Disha Singh, for this beautiful and spectacular evening. On behalf of Big Curtains Info Media Private Limited, I am your host, and I would like to welcome you each and everyone again. मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो इस शाम में आप हमारे साथ यहाँ अपने कीमती वक्त निकाल कर आए, और काफी देर से मैं देख रही हूँ सब शांत बैठे हैं, राइट? तो एक बार मैंने जोरदार तालियां बजा दी, कमाल अलवान। जब तक तालियां नहीं सुनाई देती तो मेरे शब्द जो है वो लड़खड़ाते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ आगे। Well guys, we are here to celebrate this beautiful evening on behalf of Big Curtains Info Media Private Limited, and today we are going to launch आप सभी का अपना OTT सिनेमा, obviously एक बार जोरदार तालियां हो लीजिए, टॉकीज, कम ऑन एवरीवन, क्या बात। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त एंकर जिशान खान, लेकिन आपकी तालियों में मजा नहीं है, एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीवन। मुझे लगता है शायद आप लोग मेरे लिए ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन आप एक बार अपने लिए जोरदार ताली, एवरीवन कम ऑन। कुछ लोग अभी भी यहाँ पे तालियां नहीं बजा रहे, तालियों के बिना यहाँ पे मजा नहीं आता, एक बार दोबारा से जोरदार ताली, कम ऑन एवरीवन। सो आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं टॉकीज, जैसा एंकर दिशा मेरी को एंकर ने आपको बताया इसके बारे में, तो एक बार टॉकीज के लिए जोरदार तालियां। तो आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन, जितने भी मीडिया से आए हुए मेरे गेस्ट हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक और अभिनंदन। और सबसे पहली चीज, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, तो एक बार आप सभी लोग अपने अपीरियंस के लिए, अपने पर्सनैलिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो जैसा कि बताया दिशा ने कि टॉकीज एक OTT प्लेटफॉर्म है, आप सभी जानते हैं ऑनलाइन देखना, मूवीज देखना या वेब सीरीज देखना सबको पसंद है, राइट? अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि लोग आजकल ऑनलाइन ज्यादा देखने में इंटरेस्ट क्यों रहे हैं? क्यों ऑनलाइन देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को? एनीवन एल्स? हॉल बंद है, ये भी एक है रीजन, बट एक और कुछ इंटरेस्टिंग सा रीजन, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और टॉकीज पे जो चीजें दिखाई जाती हैं वो मूवीज हॉल के अंदर नहीं दिखाई जाती हैं। यहाँ पे एक यूनिक कंटेंट दिखाया जाता है जो आप सभी के मन को, आप सभी के दिल को इस तरीके से इंगेज करके रखता है कि आपने अगर एक सीरीज देख ली, आप खुद खुद चाहोगे कि सेकंड सीरीज कब आएगी और मैं वेट करूंगा। और टॉकीज ऐसी सीरीज बनाते हैं जिसको देखने में, जिसके ट्रेलर में ही आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार जल्द से जल्दी लॉन्च हो और मैं देखूं। तो टॉकीज जैसा आप देख सकते हैं, बेदाद और बल्ली दोनों आने वाली हैं, और एक्साइटेड कौन कौन है यहाँ पे दोनों को देखने के लिए? सब है, सब सब एक्साइटेड है, लेकिन कोई हाथ नहीं उठा रहा है। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? क्या बात है यार, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोनों दोनों मूवीज और वेब सीरीज के लिए, कम ऑन। सो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर और काफी सारे गेस्ट आए हैं, तो उनसे हम रूबरू आपको कुछ ही देर में करवाएंगे, और वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सभी से मिलने के लिए, और हम सभी बहुत इंतजार कर रहे हैं कि उस मूवी के बारे में, उस वेब सीरीज के बारे में जानने के लिए। तो जब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ पे बने रहिए और आप लोग खाते पीते रहिए। और एक चीज सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी जैसे भी आए हैं, आप लोग ये यकीन करके जाएं और ये मान के जाएं कि आज जब मैं जाऊंगी घर पे तो वेब सीरीज टॉकीज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 30 डेज का सब्सक्रिप्शन। हाशमी डायरेक्टर, एक बार जोरदार ताली हो जाए, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर तरुण, अगेन, कम ऑन यार ताली, एक बार जोरदार ताली, कम ऑन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मिस्टर तरुण संतानी एंड
मिस्टर यतीन राव जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, नहीं है जी, साथ ही मिस्टर बिरजू सिंह नायर जी जो कि अभी नहीं आ पाए हैं, मुंबई में हैं दोनों, लेकिन अभी हमारे एक और डायरेक्टर हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें एक बार बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, मिस्टर लेक अहमद हाशमी, पर जोरदार तालियों से कमाल है एवरीवन, एक बार जोरदार तालियों से सर। हाँ जी बिल्कुल, हेलो एवरीवन, ये मेरी ऑडियंस है, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी, मेरा पुराना काम है। मैंने कुछ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं शकील हाशमी, ये तरुण संतानी है, ये लईक हाशमी है, छोटे भाई हैं, हमारी बचपन की दोस्ती है और हमारी टैगलाइन है, हम दोनों ने अपने घर वालों के साथ इतना टाइम नहीं बिताया जितना एक दूसरों के साथ बिताया है, ये हमारी टैगलाइन है। बेसिकली ये नई बात ये है कि हम लोग ने बचपन से ही एंटरटेनमेंट बिजनेस में एंटर किया, इवेंट्स किए, बहुत सारे शोज किए, एडवर्टीजमेंट किया, उसके बाद थोड़ी सी लाइन अलग हो गई, ये फाइनेंस फील्ड में चले गए, मैं एंटरटेनमेंट में ही रह गया, एक अकेलापन था। मैंने तरुण भाई को इनवाइट किया, तरुण भाई आए, मेरे पास आइडिया था, उसके बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन लगते ही हम लोग ने उस आइडिया को बिल्ड किया, पूरे लॉकडाउन में एक साल लगा हम लोग को OTT बनाने में, टॉकीज को कुछ 5-6 महीने हमने इंटरनल टेस्टिंग की है और उसके बाद टॉकीज लेके आए। दिशा जी जैसे बता रही थी कि टॉकीज के बारे में, आप लोग तो प्रेस के लोग हैं, इनकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है। 1931 में पहली फिल्म आई थी आलमारा, जो बोलती हुई फिल्म थी, तो उसके नाम पे ये नाम रखा गया टॉकीज, और ये बहुत ही इमोशनल शब्द है क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा जो है वो भी एक सिनेमा है जिसको हम अपने बजट में इंक्लूड करते हैं, जैसे घर के सारे खर्चे होते हैं वैसे हमारा एंटरटेनमेंट भी हमारा एक पार्ट है जो हम इंक्लूड करते हैं। तो उसको देखते हुए मैंने 8-10-12 साल कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया है, फिल्में रिलीज की हैं सिनेमा में, पैन इंडिया किया है, ओवरसीज किया है, तो मुझे समझ में आया कि पब्लिक को क्या चाहिए। प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाता था, हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसके बाद पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आता था, कई फ्लॉप भी होती थी, कुछ हिट भी होती थी, कुछ सोसो भी जाती थी, तो समझ में आता था कि फिल्में कैसी चाहिए, ऑडियंस को क्या चाहिए। सिनेमा वाला फर्स्ट शो में हमें रिव्यू बता देता था, तो आइडिया हो गया। उस आइडियो को लेके 10-12 साल के एक्सपीरियंस को लेके हमने टॉकीज बनाया। टॉकीज बनाने का रीज़न एक ही था कि जो इमोशन है, जो सिनेमा का इमोशन है, वो लॉकडाउन में पूरा हमने फील किया कि हम हर हफ्ते एक बार एक फिल्म जरूर देखते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। तो उस चीज़ को बहुत सारे फॉरेन के OTT प्लेटफॉर्म आए, इंडियन OTT प्लेटफॉर्म आए, बट वो जो इमोशन था जो हमारा और आपका सबका इंडिया का एक इमोशन है टॉकीज, चाहे वो साउथ की बात कर ले, चाहे बंगाल की बात कर ले, चाहे वो आसाम, दिल्ली, मुंबई, टॉकीज सबका एक सेम ही है, उसमें कुछ नहीं बदला है। तो उसी को देखते हुए मैंने टॉकीज बनाया है और हर टाइप का सिनेमा बनाया है। बाकी बात तरुण भाई को मैं, क्योंकि मैं बोलता जाता हूँ, काम वही है, तो एडवर्टीजमेंट से लेके मार्केटिंग से लेके सारी चीज़ें हमने की है, तो हमें आइडिया है कि हम आपको क्या सर्व करें। और एक ही टैगलाइन में मैं ख़त्म करूँगा कि मैं बहुत ही बिलीव करता हूँ टैगलाइन में, एडवर्टाइजिंग का आदमी हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो 30 डेज का सब्सक्रिप्शन आपके पास फ्री है, आप फ्री में देखिए, आपको लगे तो आप आगे गो हेड करिए, आपका फीडबैक हमें मिलेगा। बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया है, बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, सॉरी मैं ठीक हूं ना, ओके। आर्यन हमारे जो एक्टर हैं इसमें बेदाद के, वो बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अभी बहुत जल्दी रूबरू कराते, सॉरी आपका हाफ पेमेंट तो मैं लेने वाला हूँ, एंकरिंग में ही कर देता हूँ। तो बेसिकली ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, एक ही शब्द है इसके लिए, OTP to OTT। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, वर्ड का कोई भी डिवाइस हो जो इंटरनेट से चलता, आप जाइए उसमें अपना नंबर डालिए, आपके नंबर पे OTP आएगा और आपका सिनेमा स्टार्ट हो जाएगा। तरुण भाई आप बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शकील, बस जोरदार तालियों से, कम ऑन। वेल देयर नथिंग मच टू टेल अबाउट इट बिकॉज ऑलरेडी दिशा एंड शकील हाशमी ऑलरेडी हैव टोल्ड मच थिंग अबाउट इट एंड नथिंग टू बी फॉर इट। सिर्फ इतना बोल के चालू करना चाहूँगा कि
कि जैसे पुरानी कहावत है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाया तो उसने माँ बनाई, तो जब कलाकार हर जगह नहीं पहुंच पाया तो उसने सिनेमा बना दी. एग्जैक्टली. और उस सिनेमा को हमने घर घर पहुंचाने के लिए टॉकीज बना दिया. क्या बात है, इस बात पे जोरदार तालियां चाहिए. तो बस एक छोटा सा हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, देखते हैं फिर हम लोग कितना आगे जा सकते हैं उसमें. क्या बोलते हैं शिलोजी? कोशिश है, और अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं अपने साइड से. हाँ हाँ प्लीज, मुंबई से दिल्ली आपके सवाल के लिए आए हैं हम. जी जी प्लीज. इसलिए इसलिए जी जी देखिए, जो सेंसर पास करता था, जो गाइडलाइंस है, जो सारे इसके लॉज हैं, हमने सब उसको फॉलो किया है. जिस तरह से फैमिली के साथ आप सिनेमा देखने जाते थे, जो सिनेमा आपको पसंद होता था, वही सिनेमा हम इसमें आपको सर्व करेंगे. बेसिकली हमारा टारगेट यही है कि आपको अच्छा एंटरटेनमेंट दे, फैमिली एंटरटेनमेंट दे. इसमें कुछ किड्स के सेक्शन भी हम लेके आ रहे हैं, किड्स की मूवीज भी लेके आ रहे हैं. तो बेसिकली हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि घर घर टॉकीज. तो घर घर टॉकीज में तो कुछ चीज़ें तो हमें हटानी पड़ेंगी और कम करनी पड़ेंगी और उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा. तो हमारा टारगेट यही है. और बेसिकली हम और लोगों के बारे में नहीं बात करेंगे, हम अपने टॉकीज के बारे में बात करेंगे. टॉकीज हमारे लिए बहुत ही बेसिकली हमारा बिजनेस है, हमारा हमारे लिए मंदिर जैसा और पूजा जैसा काम करता है. जी बेसिकली अभी तो हमने कुछ 40-50 फिल्में इसमें हैं आपको देखने के लिए. तो आई थिंक ये महीना तो निकल जाएगा अगर आप 50 फिल्में देखेंगे, और वेब सीरीज़ हैं कुछ इसमें और कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं. तो ये अगर कंटेंट देखेंगे तो एक महीना निकल जाएगा. और हर वीक में हमारा कुछ नया कंटेंट प्लान है कि हर वीक में हम एक नया कंटेंट लेके आएंगे. हर 15 दिन में हम एक नई फिल्म, एक नई वेब सीरीज़ को लॉन्च करेंगे. ऑलरेडी हमारी इस साल की प्लानिंग हो गई, हर 15 दिन में आपको एक नई वेब सीरीज़ हमारे टॉकीज पे मिलेगी. सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉर्मल रखेंगे, बहुत ही नॉर्मल, अभी तय नहीं किया है. एक बार फीडबैक आ जाता आप लोगों का, आप लोग से पूछ के ही रखेंगे, हमारी कुछ नहीं चलेगी. नहीं नहीं, बेसिकली हम अपने अपने धंधे में ही हैं, हम दूसरे का धंधा नहीं कर रहे हैं. सीरीज बेसिकली सीरीज प्रोडक्शन हाउस बनाता है, हम रिलीज करते हैं. ये टॉकीज है, प्लेटफॉर्म है, आप अपनी सीरीज लाइए, हम अप्रूव करेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज करेंगे. बेसिकली कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जो एवरग्रीन है, वो और भी प्लेटफॉर्म में होंगी. जो एवरग्रीन फिल्में हैं वो तो हम डालेंगे, जो आप बार बार देखना चाहोगे. कुछ फिल्में ऐसी हैं तो एवरग्रीन फिल्में हमारे प्लेटफॉर्म पे भी होंगी और भी होंगी, लेकिन जो टॉकीज ओरिजिनल बनाएगा वो सबसे हटके बनाएगा. सारी लैंग्वेजेस रहेंगी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, जितनी भी इंडियन लैंग्वेज है, फिर डब डब. नहीं, बेसिकली ओरिजिनल भी बना रहे हैं हम, लैंग्वेजेस में भी ओरिजिनल बना रहे हैं, उसमें भी हमारी चीज़ें चल रही. देखिए टॉकीज का एक ही परिभाषा है, आप अपने फैमिली के साथ पॉपकॉर्न लेके आराम से बैठिए और इसको एंजॉय करिए. एंटरटेनमेंट का एक ही लाइन है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. आप अपनी फैमिली के साथ इसको देख सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं अपने आपको. बहुत व्हाट्स गुड नेम? जैन, धोनी जैन. नोनी नोनी सॉरी नोनी, मैं सुन नहीं पाया. नोनी जी देखिए, सिंपल सा फंडा है ये, ये जो पोस्टर है इसका एक ही फंडा है कि आपके घर में सिनेमा है, आपको फील आप सिनेमा आएगा. आप बैठे घर पे रहेंगे, फील आपको सिनेमा आएगा, आप उसे मिस नहीं करेंगे. घर में टॉकीज. आपके पास एंड्रॉइड है कि आईओएस है? आप कौन सा फोन यूज करती हैं?
दोनों यूज करते हैं, दोनों पे आप टॉकीज जो है प्ले स्टोर पे जाके या iOS पे जाके आप टाइप करिए, जब आपको इंटर करेंगे आप उसमें तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जैसे ही आप इंटर करोगे आपको आपके घर से आपके टॉकीज में पहुंच जाएंगे आप। बेसिकली रीजन सिंपल है, अगर मैंने भी फिल्में रिलीज की हैं, सिनेमा हमारे लिए बहुत ही मतलब उसी का, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, तो आज मैं कोई भी फिल्म लेता हूं और उसको सारे सिनेमा में रिलीज कर देता हूं, सारे शोज में रिलीज कर देता हूं और आपको मैसेज करता हूं कि मेरी फिल्म आप ये सिनेमा में जाके देख लीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्यों जाएंगे? आप आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, आप सिनेमा जाओगे, पार्किंग लगाओगे, टिकट लोगे, पॉपकॉर्न लोगे, खर्च करोगे, सारी जो गाइडलाइंस है आप यूज़ करोगे, बट इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एक मैसेज आएगा, आप ओके करोगे और आप मूवी देख सकते हो। दूसरी बात ये बोलता हूँ कि अगर आप घर पर हो, आपके आपके घर में टीवी, आपका नाम बताइए। नहीं नहीं आपका नो जी, मेघा जी, मेघा जी आप अगर घर में, आपके घर में एक ड्राइंग रूम में आपके टीवी लगाए तो उसके साथ एक सेटअप बॉक्स भी होगा। घर में और भी दो तीन चार कमरे होते हैं तो उसमें भी टीवी लगाएंगे तो आपको सेटअप बॉक्स लगाना पड़ेगा, बट OTT ने ये डिफरेंसेस खत्म कर दिए। आपके घर में आपके जितने लोग हैं उतने टीवी हैं, आपके हाथ में आपका टीवी है, आप अपने सिनेमा को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हमने टैगलाइन ही दिया है योर ऑन OTT सिनेमा, आपका अपना OTT सिनेमा, तो आप अपनी मर्जी से आप जो देखना चाहें, आप जैसे देखना चाहें, आप उसको जो है देख सकते हैं। बेसिकली इसके बारे में तरुण भाई बताएंगे। दैट इज द हाइब्रिड पार्ट ऑफ आर्ट दैट विल बी कम अप अप अपस्टेयर्स, आगे आके वो आएगा तो उसका अपग्रेडेशन हम लोग फिर हाईलाइट करेंगे उसका। एग्जैक्टली सेम करेक्ट। इसमें यही चीज होगी कि हिंदुस्तान या वर्ल्ड में कोई भी फिल्म मेकर होगा वो कहीं से भी अपनी फिल्म बना के हमारे टॉकीज पे अपलोड करेगा, अगर वो आपको दिखाने लायक होगी, जो हमारे जो सेलेक्टर होंगे अगर वो सेलेक्ट करते हैं तो वो मूवी हम उस पर देंगे और उससे जो भी पैसे आएंगे वो उस मेकर को जाएंगे। सिनेमा की कोई परिभाषा नहीं है, ये भी सिनेमा ही है। OTT भी सिनेमा ही है, कन्वीनियंट ही है कि आप घर पे देख सकते हो, दैट्स इट, बाकी सिनेमा सिनेमा ही रहेगा। आपके घर पे कितने इंची टीवी है? 50 तो होगा, तो सिनेमा का फील तो है आपके घर पे। बेसिकली OTT सिनेमा को नहीं, OTT टीवी चैनल को भी रिप्लेस करेगा, आने वाले टाइम का बहुत बड़ा मार्केट है। कंपटीशन नहीं कर रहे, इंस्पिरेशन ले ले रहे हम लोग अभी के लिए। हंड्रेड% सेंसर होना चाहिए। सर जी हमने ये फैमिली के लिए बनाया, सेंसर है तो हम मोस्ट वेलकम है सेंसर का, हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है सेंसर को। हम जरूर इस पे मैं इस पे जरूर 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 इसके ऊपर मैं वो करूँगा। जी बेसिकली जब हमने OTT स्टार्ट किया था 1.5 साल हो गए, 6 महीने तो हमारी टेस्टिंग चली, थोड़ा सा नया था, डेवलपर्स नहीं मिलते थे, कंपनीज नहीं थी इनको बनाने वाली, लोगों के लिए नई चीज़ थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे, वेबसाइट्स वाले कोशिश कर रहे थे, तो
तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। OTT बनाना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपके पास प्लान है और टीम अच्छी है और सच्ची श्रद्धा है तो आप 100% सक्सेस होगे। मुझे ये बताइए, जो आपने कंटेंट देखा वो कैसा लगा आपको? जो मेरा प्रेजेंटेशन था वही कंटेंट आपको दिखेगा और कुछ नया नहीं है। अगर उसमें आपको अच्छा एंटरटेनमेंट दिख रहा है तो वो सेम कंटेंट आपका सिनेमा पे भी, वो OTT सिनेमा पे भी हुई है। सॉरी, बेसिकली सिनेमा है, सिनेमा में देखिए उसमें एनिमेशन मूवी भी है। बिलाल, हमने एनिमेशन मूवी भी डाली है, हॉरर भी है, सस्पेंस है, रिवेंज है। तो रिवेंज का अगर, तो आप ग्रे सिनेमा तो देख ही सकते हैं। अगर हमारा रिवेंज होगा तो पब्लिक को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आएगा। एंटरटेनमेंट की तो हमने वो जो गाइडलाइन है उनको लेके ही सारी चीज़ें की हैं। हम न्यूडिटी और उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे सिनेमा में कभी भी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू। लकी हाशमी है जो क्रिएटिव पार्ट मेरा देख रहे हैं ये टॉकीज में, इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? और आर्यन जी को ऑनर करें, हमारे डायरेक्टर सर स्टेज पर ही हैं। थैंक यू। ओके, हमने टॉकीज के बारे में तो सर से सुना कि क्या होने वाला है, कैसी होने वाली है, बट अब सीरीज के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेदाद आखिर किस तरह के सीरीज होने वाली है। इनके पैसे तो कटेंगे, ये बार बार माइक मुझे दे रही। आर्यन, बेसिकली एक बेदाद की एक लंबी स्टोरी है। बेदाद आर्यन 1.5-2 साल पहले मिले थे, तो ये पहले इसकी फिल्म बनाना चाह रहे थे कि हम इसकी फिल्म बनाएंगे और इसको हम रिलीज़ करेंगे बिग कर्टन्स मीडिया पे। फिर सडनली प्लान चेंज हुआ, हमने OTT का डिज़ाइन किया और साथ साथ इन्होंने जो है इसको वेब सीरीज़ में कन्वर्ट किया, उसकी राइटिंग और उसका पूरा पैटर्न चेंज किया। और क्रिएटिव पार्ट में आर्यन का बहुत हाथ है। बेसिकली आर्यन के बारे में बताना चाहूँगा, आर्यन दिल्ली से हैं, सबसे अच्छी बात ये है, इसलिए हम दिल्ली में ये लॉन्च कर रहे हैं। मेन रीज़न ये था कि दिल्ली में लॉन्च करने का, कि आर्यन खुद यहाँ से दिल्ली से हैं और एक बड़े समाज से हिस्सा रखते हैं और काफ़ी प्यार करते हैं इनको लोग। मुंबई में भी हम इनको बहुत सराहते हैं और अच्छे एक्टर हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी नेक्स्ट जो सीरीज़ आ रही है उसमें भी मेन लीड आर्यन कर रहे हैं। तो आर्यन, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको टॉकीज और बेदाद के साथ? उसके बाद हम दूसरी वेब सीरीज की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बेदाद का काफ़ी टफ सफ़र था, मतलब एक साइको का करेक्टर, उसमें काफ़ी फेस थे, बच्चे का भी फेस था, फिर एक साइको का भी फेस था, एक नॉर्मल फेस था, एक साथ चार चीज़ें एक साथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट अच्छा था, चैलेंजिंग था, तो मज़ा आया काफ़ी बेदाद करने में। बट आप लोग जनरली इस मूवी को देखोगे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी मूवी है या मेरी वेब सीरीज़ है कि आप लोग देखो, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप सभी लोग इसको देखें। एक चाइल्ड एब्यूजमेंट पे मूवी है जो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी देखें, इसको प्रमोट भी करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बी हियर। तो कैसा लग रहा है, मतलब मैं ये भी बातें मैं पूछूं? सर आप एक बात बताइए ना, एक एक्टर से एक प्रोड्यूसर, एक मैं अभी कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे एंकर कौन है और डायरेक्टर कौन है और मीडिया कौन है, वो किसको आंसर करना है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। सो सर, सबसे पहले तो एक बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ।
तो सर सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कितना मजा आया आपको इस वेब सीरीज करने में? मजा बहुत आया क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था लोनावला। क्या बात है। तो बारिश ही बारिश थी, बहुत बार शूट भी रुक जाता था, तो काफी मजा आया। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या रही आपके साथ इस पूरी वेब सीरीज के अंदर? कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा सीन जो आपको हमेशा याद रहने वाला है? या वो सीन कोई भी नहीं भूल पाएगा, अगर शायद वो 12 साल का बच्चा है। ये लोग भी okay. वो डायलॉग हमेशा मारते रहते हैं। उसमें क्या, मैंने 12 साल के बच्चे की आवाज निकाली है okay. और मैंने उसको प्ले करा है कि मैं बड़ा हो गया और मेरे को एक वो 12 साल का दर्द वापस लाना है, तो मैंने वो आवाज भी निकाली है। तो वो बड़ा इमोशनल सीन था, जहाँ मेरे को जो ट्रॉली जब ऐसे चल रही थी तो मेरे को काफी टेक देने पड़े थे, तो उनको बाबा मेरी आंख से एक ड्रॉप चाहिए थी, वो नेचुरली मेरे को ड्रॉप निकालनी थी बाबा रो रो के। तो उस टाइम पे थोड़ा सा काफी मतलब वो सीन काफी अच्छा था। ओके तो सर एक चीज और, इस मूवी में थोड़ा बहुत रोमांस भी होगा? मेरे साथ नहीं है यार। तो फिर मूवी में रोमांस कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स विलन कर रहा है। क्या बात है, ये चीज अच्छी थी। अच्छा तो थोड़ा बहुत रोमांस तो होगा ना मूवी में? मेरे साथ नहीं है ना। आपके साथ नहीं है हीरो? सर आप हीरो है, आपके साथ रोमांस नहीं, नेक्स्ट मूवी में है, काफी नेक्स्ट कुछ मूवी में। तो एक चीज और बता दो सर कि जो रोमांस है, वो रोमांस करने का एक्सपीरियंस जो आपका, वो कैसा रहा? मतलब आप रियल में रोमांटिक हैं या फिर सिर्फ मूवी के लिए आपने थोड़ा बहुत रोमांस किया? ये पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा पर्सनल क्वेश्चन है, वो तो हमें मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा सर आपकी जो एक्सप्रेशन थे, उन एक्सप्रेशन में और अभी में कोई कह नहीं सकता कि ये वही है, राइट? तो सर ये जो एक्सप्रेशन है, आप बिल्कुल खो जाते हैं जब आप शूटिंग करते हैं, तो आप बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं। तो ये आपके अंदर की जो लगन है, ये आपके अंदर की लगन है, कब से आपके अंदर लगन है कि मेरे को एक एक्टर बनना है और जो मेरे अंदर की कला है वो मेरे को एक स्क्रीन पर दिखानी है? वो 12 साल का बच्चा। अच्छा वो 12 साल का बच्चा जिसको मारा गया था वही? नहीं मारा नहीं गया था, वो तो मूवी देखो ना यार। अच्छा हाँ, ये सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं कि क्या है उस मूवी के अंदर, क्या चीजें इंटरेस्टिंग है, तो जरूर आप लोग जाएं और डाउनलोड करें टॉकीज और वहां पे अपना OTP डालें, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर जाके सारे लोग फैमिली के साथ एंजॉय करें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फैमिली के साथ में मूवीज देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं। हमारे डायरेक्टर ने इतने अच्छी अच्छी मूवीज उसके अंदर डाले और वो बिल्कुल प्राउडली ये चीज कह रहे हैं कि आप लोग फैमिली के साथ देख सकते हैं। काफी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे कुछ मूवीज या कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जो लोग फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा सर को कि आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि वहां पे आप बेझिझक अपनी फैमिली के साथ साथ में एंजॉय करके वो मूवी या वेब सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मेरे हाँ या ये तो जरूर बनता है, सीरियस भी निकालना पड़ेगा क्या? या श्योर। वो 12 साल का बच्चा, चिल्ला के डायलॉग था वो पूरा, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब उसके बाद मैं डायलॉग आपको पक्का बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक सीन होता है कि वो किसी को मतलब याद दिलाता है कि तुम्हें तो याद है क्या उस टाइम 12 साल पे मेरे साथ क्या हुआ था, तब वो ये डायलॉग पूरा उस टाइम पे बोलता है कि वो 12 साल का बच्चा, याद है जब वो रोता था गाता था, तेरा सिर पे मेरे हाथ आता था, तूने कभी मुझे हाथ नहीं छूने दिया। तो ये ऐसे करके बहुत बड़ा डायलॉग है, वन लाइन में पूरा डायलॉग था। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां को। सुपर, अभी थोड़ा इमोशनली हो जाऊंगा इस डायलॉग पे। अंशु जी प्लीज आइए स्टेज पे और आसिफ भाई हमारे आए हुए हैं, प्लीज आप भी स्टेज पे आइए। और अभी सेकंड जो सीरीज है बल्ली, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक बार जोर आता है, कम ऑन एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत अपना सा लग रहा है ये ऐसे मुंबई में से आके welcome, मैं दिल्ली में कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैंने इवेंट्स बहुत सारे किए हैं, काफ़ी मीडिया के सामने मैंने बातें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे एक ऑफिस, मुझे यहाँ पर भी टॉकीज का बनाना पड़ेगा दिल्ली में। सर दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ से जो जितने भी लोग मिलेंगे आपको दिल से ही मिलेंगे। आसिफ भाई इनका, हमारे जो एक्टर हैं इनका स्वागत करेंगे। सर ऑनर करेंगे आसिफ जी, आर्यन जी का ऑनर करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन,
मुझे ये बताइए जितनी बातें मैंने की उसमें कितने परसेंट सच्चाई आप लोगों को लग रही है कि मैं इतना मतलब इस लेवल पे आप लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। मेघा जी मैं सॉरी आप कुछ बात करें, मैं ये कह रहा हूँ मैंने जितनी भी बातें आप लोगों से की हैं यहाँ पर, आपको कितने परसेंट लग रहा है कि टॉकी सच में परफॉर्म करेगा? लग रहा है ना, हो जाएगा ना? आप लोगों का साथ चाहिए, थोड़ा सा पुश कर दीजिए। या आपका अपना सिनेमा, आपका अपना टॉकीज है, जैसा सब्सक्रिप्शन चाहेंगे, जैसा कंटेंट चाहेंगे, जैसा सर्विस प्रोवाइडर चाहेंगे, आपको सब कुछ वैसा मिलेगा। हम लोग इसके रीजनल ऑफिस भी खोलेंगे कि अगर दिल्ली में कोई मेकर है तो उसको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल्ली में अपना कॉन्टेंट सबमिट कर सकता है, दिल्ली में अपना कॉन्टेंट बना सकता है। अगर वो कलकत्ता में है वो बंगाली कॉन्टेंट सबमिट कर सकता है, पंजाब में है तो चंडीगढ़। आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ, बेसिकली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है उसको हम लोग टेरिटरी वाइज डिवाइड करते हैं, ये तो बात आप लोगों को पता होगी आई थिंक। तो ये जो टॉकीज है इसको भी हमने रीजन वाइज इसको हमने डाइवर्ट किया है, जो रीजनल लैंग्वेज में होगा, बंगाल में बंगाल का ऑफिस होगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का ऑफिस होगा, दिल्ली में हिंदी का ऑफिस होगा, पंजाब में चंडीगढ़ का ऑफिस होगा। तो ऐसा सिस्टम हमने बनाया है, तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र पॉकेट फ्रेंडली है। कोशिश यही है कि अच्छा सिनेमा, अच्छा एंटरटेनमेंट आपको सर्व करें, और इसीलिए हमने इसको जो है जो 30 दिन है वो हमने फ्री रखा है। आपको क्या लगता है, ये 30 दिन फ्री होना चाहिए कि और सब्सक्रिप्शन फ्री हमें बढ़ाना चाहिए? 30 दिन टेस्टिंग के लिए अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह का प्यार दोगे तो मैं दिल्ली छोड़ के जा नहीं पाऊंगा। तरुण भाई बहुत थैंक यू, अच्छा मतलब लॉकडाउन में जो साथ रहा है इनका मेरा, हम लोग कोविड के टाइम में जो काम किया है एक साथ बैठ के, एक डेडिकेशन से किया है, तरुण भाई का बहुत साथ रहा है। साथ ही साथ हमारे दो और पार्टनर्स हैं, बैजू नायर एंड यतिन राव, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। फिलहाल वो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि काम बहुत था। 15 अगस्त को हमारा लॉन्च है नई मूवी का, तो उसकी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मुंबई में संभाल रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं उनको दिल्ली ज़रूर लेके आऊँगा, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा, बैजू भाई और यतिन भाई के लिए। एक बार ज़ोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। थैंक यू सो मच सर। बाकी मैं सर और सर की पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो एक साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने, जैसा सर ने बोला कि उन्होंने 3-3 मूवीज एक साथ ही बना दी, तो जिस तरीके से आप प्यार करते रहेंगे, जैसे आप प्यार हमें देते रहेंगे सर, और ज़्यादा मेहनत करेंगे अपनी टीम के साथ, और सर कोशिश करेंगे कि जो आप लोग देखना चाहते हैं वो हम आपके घर घर पहुँचा के आपको दिखाएं। और एक मूवी में कितने सारे लोगों का हाथ होता है, तो उन सभी के लिए जितने भी लोगों ने इसमें अपना अपना 100% दिया है, सपोर्ट दिया, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने सिनेमा को हमारे घर तक लेकर आए और ऐसा कंटेंट लेकर आए जो हम अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हैं और हम देख सकते हैं। साथ ही साथ टॉकीज आप जितना सपोर्ट करेंगे, हम जितनी इसमें मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा Amazon Prime Netflix के साथ साथ टॉकीज का भी नाम जोड़ा जाएगा। एग्जैक्टली और एक और चीज़ साथ में आप देख सकते हैं हमारे आर्यन एक्टर को, राइट जय। डायरेक्टर साहब बताएंगे थोड़ा और अच्छे के इसके बारे में। तो बेसिकली ये उस टाइम की कहानी है, ऐसे हमने कुछ खालिस्तान और ये सब ऐसे दिखाया नहीं है, बट हमने क्या दिखाया बेसिकली, क्या पोर्ट्रे करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम जो भी हो रहा था, जिस वजह से भी हो रहा था, उस टाइम जो वहाँ के बच्चे थे उन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो ये बल्ली एक बच्चा है जिसकी ये कहानी है कि बल्ली कैसे एकदम बल्ली के अंदर नफरत आती है और वो कैसे एक वायलेंस का पाथ ले लेता है। तो ये कहानी एक सिंपल सी कहानी है, हमने ब्लू स्टार और इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस माहौल में उस बच्चों के ऊपर उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या था उसके ऊपर। तो
नहीं हम वहीं पे हैं बट हम उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे कि वहाँ क्या हो रहा था, ऑप्टिमाइजेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ, उसके क्या रीजंस थे, किसकी गलती, किसका सही, हम बस एक छोटे बच्चे की कहानी दिखा रहे हैं उसी टाइम पे, ये है मेन हमारी स्टोरी। किस किस तरीके की कंट्रोवर्सी रहेगी इसमें? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था वो सबको पता है देश में, हाँ तो वो हुआ था, हाँ तो वो चर्चा की चीज है, बिल्कुल है। तो उसपे मैं यही बोल रहा हूँ, उसी को लेकर हमने उसका एक साइकोलॉजिकल एंगल कि बच्चों पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था ये दिखाया उस फिल्म में। बहुत सिंपल सी स्टोरी और बहुत सिंपल सी इमोशनल फिल्म है। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, गांव की स्टोरी है, वहाँ एक छोटा बच्चा है बल्ली, वो कैसे 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 धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उस माहौल में जहाँ थोड़ी नफरत फैली हुई है चारों तरफ से। अब उसमें किसका फायदा किसका नुकसान उससे बल्ली को मतलब नहीं है, बट ये बल्ली की स्टोरी है। बेसिकली बल्ली एक छोटा बच्चा जो उस 84 रॉयड्स के बीच में था और उसने वो वायलेंस वहाँ देखा, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और उसकी जर्नी क्या रही है। इट इज़ नथिंग टू डू विद कि वो ब्लू स्टार हुआ था या नहीं हुआ था, वी आर नॉट डिपिक्टिंग दैट पोर्शन, बट येस जब वो हुआ था 84 में तो जो बच्चे थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था और बड़े होके वो कैसे यू नो ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बिकॉज उन्होंने बचपन में वो वायलेंस और वो ट्रेजिडीज देखी थी। जी आप बिल्कुल, बच्चे बूढ़े जवान सभी देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे लव स्टोरी है, लव स्टोरी पे हज़ारों फिल्में बनी हैं, वैसे ही 1984 उस टाइम का मुद्दा है। हमने 1984 मतलब वो जो एरा था उसके अराउंड 84 से पहले की स्टोरी है। तो बहुत सारे राइट्स हुए, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कौन सही कौन गलत, वो एक अलग मुद्दा था। ओवरऑल चाहे कोई हिंदू था चाहे मुसलमान था चाहे सिख था, बच्चा बच्चा था। सो बच्चा एक बल्ली है, बच्चा मासूम होता है, उस बच्चे की मासूमियत मर गई, तो ये हम उसमें वो फाइंड कर रहे हैं कि उसकी मासूमियत किसने मार दी और क्यों मार दी। तो डेफिनेटली आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं बिकॉज आई थिंक आज के बच्चे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड दे अंडरस्टैंड अ लॉट मोर बिकॉज द कंटेंट दैट वी हैव अराउंड। तो डेफिनेटली बच्चों को ही दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा देख के ही तो उनके माइंड पे कुछ अलग इफेक्ट चल रहा था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। जी मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मैं पिछले कम से कम 4 या 5 साल से बहुत थिएटर भी कर रही हूँ, टीवी सीरीज भी कर रही हूँ, फिल्म्स भी कर रही हूँ। सो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा क्रिएटिव होते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी एक एरिया में नहीं रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द एक्टिंग फ्रेटर्निटी ऑल्सो एंड आई एम वेरी वेरी honored to be launched on an OTT platform like this. मेरी और भी 2-3 short films हैं जो different OTTs पे हैं, तो definitely creativity हर angle से आ सकती है, तो acting is one more. जी जी actually मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान और पाकिस्तान सभी के एकदम बॉर्डर पे है। तो मैं मतलब बाई बार मतलब पंजाबी हूँ, तो मुझे बचपन से पता था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन फिर भी एक जरा सी भी गलती यहाँ से यहाँ ना हो जाए इसलिए हमने पूरी रिसर्च की, बहुत से लोगों से पूछा। अगर कोई चीज़ दिखा भी रहे हैं, मान लो सही भी चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि किसी को वो बुरी लग जाए, हर इंसान नहीं समझता हर चीज़ को। तो हमने बहुत से अपने समाज में हर लोगों से पूछा, पहले रिसर्च की फिर उसको बनाया जिसमें एक लोग देख सके एक अलग एंगल से उसको। जी नहीं वहाँ नहीं गई है, एक गांव में की है, गांव की स्टोरी दिखाई है, राजस्थान में वहाँ पे शूट हुआ है इसका। तो ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन है इसका, पर्सनल खुद का गांव है, हम वहां गए 20-25 दिन रहे और वहां पे हमने पूरा शूट किया। और जितने भी ज़्यादातर एक्टर्स हैं इसमें ये सब गांव के लोग हैं जिनको थोड़ा सा शौक था कि हाँ थोड़ा एक्टिंग करते हैं फिल्मों में आना है। ये उस छोटे गाँव से है, मुंबई में एक्टिंग करता था अलग अलग फिल्म वेब सीरीज में,
तो इसको देख कर उनके अंदर भी एक लगन थी, और आज की डेट में फिल्म के बाद उन्होंने अपने चैनल्स खोल दिए यूट्यूब पे, अलग अलग तरीके का कंटेंट बना रहे हो, तो इस तरीके की अच्छी जर्नी थी हमारी। और जैसे कि आपने पिछला सवाल पूछा कि क्या क्या आपने रिसर्च की, इसकी और मेरी रोज़ दो घंटे की इस पर बहसबाजी होती है हमेशा से कि ये दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे सेंटिमेंट्स को हम छू सकते हैं और कुछ को नहीं छू सकते, तो हमने बहुत बैलेंस करके सब चीज़ को एक बच्चे के ऊपर इसको सारा घुमाया। थैंक यू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेसिकली दिस इज एन इमोशनल फिल्म, ये थ्रिलर भी नहीं कह सकते आपको, इट्स एन इमोशनल जर्नी ऑफ अ किड। तो ये है मतलब एक उसका जर्नी है, वो बचपन से कैसे इमोशनली ग्रो होता है, नफरत आती है, उसके बाद हाउ ही रियलाइजेस कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, इमोशनल जर्नी है। यस यस, वी हैव टू सॉन्ग्स और काफ़ी अच्छे गाने, शायद आपको काफ़ी पसंद भी आए, और वो लोकल आर्टिस्ट ने गाए हैं, उस गाँव के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उन्होंने ही गाए हैं, उन्होंने ही कंपोज किए, तो वो एक अलग जर्नी। सर मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप मूवी देखिए जब आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी, अभी यहाँ बताने कोई फ़ायदा नहीं है, सब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हम लोग चाहें कि आप लोग जाएं ऑनलाइन इसको डाउनलोड करें, जब देखें जब आप फीडबैक ज़रूर देना, हम लोग वेट करेंगे आपके फीडबैक। बहुत अच्छी है इसमें, और क्या हुआ कि इसमें मैं तो पिछले 5 साल से मुंबई में मूवीज़ में एंड वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ, बट वो जो लोग थे जो आपको देखेंगे वो सब नए थे, लेकिन आज उनमें से काफ़ी लोग अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, 2-3 सिंगर हैं इसमें और पंजाबी एक डायरेक्टर है, 3 एक्टर हैं उसमें, तो उन लोगों को मौका मिला और वो काम कर रहे थे। लेकिन फाइनली थैंक यू आर्यन भाई का, शकील भाई का, कि उन्होंने इस मूवी को इस पे रिलीज़ किया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया, जिस पे अभी मैं मेरा लाइव चल रहा है वहाँ पे, वहाँ मेरे गाँव से लोग देख रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एक हमने फिल्म बनाई थी आज मतलब मुंबई में बन के आए और दिल्ली में उसका प्रमोशन हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं इसी के साथ साथ अपनी पूरी टीम को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँ कि वो स्टेज पर आए प्लीज एवरीवन। Your on quote is आपका अपना सिनेमा लगाइए इधर को यही पर एक है ना बार भी आज तक